बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट, और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ईद स्पेशल मटन हांडी गोश्त है। मटन हांडी गोश्त कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। आइए अपनी आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। 2 किलो मेरे पास मटन का गोश्त है, इसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में कटवा लिया है। सबसे पहले इन्हें हांडी में शामिल कर दें। मिट्टी के बर्तन की अपनी ख़ास किस्म की खुशबू होती है जिससे मटन का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप इस आसान सी रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई करें। गोश्त शामिल करने के बाद मेरे पास प्याज हैं बारीक कटे हुए 2, टमाटर हैं बारीक बारीक कटे हुए, 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, कई मसाले भी इसी मौके पे शामिल कर लेने हैं। कूटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक। एक गिलास के करीब पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे और आग पे चढ़ा देंगे। आग पे चढ़ा लेने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। माशाल्लाह से मटन हांडी गोश्त को पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से पानी भी खुश्क हो गया है और मटन भी हमारा गल चुका है। अब ढक्कन उतार के पानी खुश्क कर लेंगे। इस मौके पे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और 2-4 साबुत हैं, ये शामिल कर लेंगे। मटन हमारा माशाल्लाह से गल चुका है। 3 चम्मच ऑयल है इस मौके पे, ये शामिल कर लेंगे। अब 10 से 15 मिनट भूनते हुए पकाएंगे। एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। मटन हांडी वाला बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी बनता है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को इस ईद पे ज़रूर ट्राई करें। कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा अभी से आ रहा है। माशाल्लाह से मटन को भूनते हुए मुझे 6-7 मिनट हो गए हैं। 6-7 मिनट मज़ीद भून लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। हांडी वाला मटन बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी बनता है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। माशाल्लाह से मटन हांडी वाला हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, क्योंकि हांडी आग से नीचे उतारने के बाद भी ये 5-6 मिनट के लिए पकता रहेगा। धनिया को एक बार मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें
मटन हांडी वाला हमारा कितना प्यारा बना है। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से, मटन हांडी वाला हमारा कितना प्यारा बना है। ये देखें, थोड़ा सा हरा धनिया, देखें माशाल्लाह से मटन हांडी वाला हमारा कितना प्यारा बना है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिए मोहम्मद बाकर को, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।